इन दिनों महाराष्ट्र में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले पुणे में पोर्श कांड हुआ, उसके बाद नागपुर में भी तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। महाराष्ट्र के अमरावती जिले से 3 मई को एक हिट एंड रन का मामला सामने आया था। एक तेज रफ्तार कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ 12 दिन के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तेज रफ्तार कार हादसे के दौरान कार में सवार एक आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। अमरावती हिट रन मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी और आखिरकार इस आरोपी को पकड़ने के लिए 20,000 का इनाम भी रखा गया था, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिरकार पुलिस की लाख कोशिशों के बाद 27 दिन के बाद दरियापुर तालुका के अंतर्गत आने वाले नंदरून गांव से आरोपी को धर दबोचा गया है। इस मामले में प्रशांत वागड़े सहित 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 मई को मेरे फादर भीमसेन वाहने इनका एक्सीडेंट हुआ और जो आरोपी है वो वहाँ मौके से फरार हो गए। घटना का जो भी CCTV फुटेज है वो वहाँ के कैमरे में कैद हुआ। 4 तारीख को जब हम FIR दर्ज करने गए तो हमारी FIR गाड़गी नगर पुलिस स्टेशन वालों ने नहीं ली और हमें वापस भेज दिया। बाद में 5 तारीख को जो है उन्होंने हमारी FIR दर्ज की। हमने जो भी CCTV फुटेज हमने प्राप्त किया था वो हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद 2-4 दिन बाद जो है जो भी कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में चली गई। फिर तकरीबन 15 तारीख को मेरे फादर की मृत्यु हो गई। उसके बाद 22 तारीख को जो है हम DCP जो सागर पाटिल सर है उनको हमने निवेदन दिया और उनसे ये अपील की कि आप जल्द से जल्द इन जो आरोपी है उनको धर दबोचिए। फिर 2-4 दिन कार्रवाई हुई और फिर से जो है ठंडे बस्ते में जो है उनका चला गया जो भी कार्रवाई थी। उसके बाद 28 तारीख को जो है हमने जो CP साहब है उनको फिर से निवेदन दिया और उनसे ये मांग की कि अगर आप जल्द से जल्द इन जो भी दोषी है उनको नहीं धर दबोचेंगे तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और आज जो है 30 तारीख को मुझे 4 बजे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमने आरोपियों को धर दबोचा है। तो मैं CP साहब और उनकी तमाम टीम को धन्यवाद देता हूँ कि 28 दिन के बाद भी उन्होंने फाइनली जो है जो भी आरोपी इस संबंधित केस है उनको धर दबोचा है।